कैसे हैं आप सब। तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सविका सिंह ब्लॉग में। तो आज है दिन सोमवार और सुबह के बज रहे हैं 11:30। और अभी मेरा नहाना धोना सब कुछ हो चुका है क्योंकि 11 बजने वाले हैं। और वीडियो मैं काफ़ी देर से बना रही थी पर मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया था क्योंकि रोज़ ऐसे ही मैं स्टार्ट करती हूँ बिना नहाए धोए। और आज मैंने सोचा कि नहा लूँगी तब मैं स्टार्ट करूँगी, इस वजह से मैं अभी स्टार्ट कर रही हूँ। तो लेके चलती हूँ आपको 1 घंटे पहले का, क्योंकि 1 घंटे पहले से ही वीडियो चल रहा था। और यहाँ पे सुबह का टाइम है, मॉर्निंग टाइम है, 9:30 हो रहा है, बच्चे स्कूल चले गए हैं और मैं और मेरी सिस्टर यहाँ पे छत की धुलाई कर रहे हैं क्योंकि छत बहुत गंदा हो चुका था। तो मेरा मन नहीं था पर सिस्टर बोल रही थी कि चलो आप अपना काम कर लो, मैं छत की धुलाई कर देती हूँ। लेकिन फिर भी थोड़ी देर लगी थी, उसके बाद से मैं चली गई थी नहाने क्योंकि नहाने को भी लेट हो रहा था। सब्ज़ी कट करने को हस्बैंड जी को दे दिया ताकि ये कट कर ले, पालक बनाना था आज तो मैं देके चली गई थी। उसके बाद से सुबह के सारे काम हो गए। अब दोपहर का है क्योंकि मैंने आज अलमारी खोल रखी थी और उसमें सिस्टर को कुछ हल्की साड़ियों की ज़रूरत थी, तो क्योंकि वो ससुराल में साड़ियाँ पहनती है और मैं साड़ियाँ नहीं पहनती। मेरे पास बहुत सारी ऐसी साड़ियाँ हैं जो मैं हल्की हल्की भी है, भारी भी हैं, पर मैं पहनती ही नहीं। मैं सूट पहनती हूँ ज़्यादा लेकिन ख़रीद लेती हूँ। मैंने कहा कि जो तुमको अच्छा लगे, जितना अच्छा लगे ले लो और वहाँ पे यूज़ करो, कम से कम उसके पैसे तो वसूल हो जाए। वही मैं दिखा रही थी उसको, तो उसको जो जो अच्छा लगा उसने उसमें से छाँट छाँट के लिया। सारी साड़ियाँ अच्छी है, सिर्फ एक या दो बार सब पहनी हुई हैं। तो आप लोग ये ना कमेंट करिएगा कि पुरानी साड़ियाँ दी, पुरानी मैंने नहीं दी, ये नई है और मैंने उसमें नई भी दी थी। तो ये फिर बची हुई मैं फिर रख दी। मैं कभी फोन पापा को तुमको सोमवार मंगलवार थोड़ी ना याद है, वो कह देंगे तुम ले आओगे। और यहाँ पे शौर्य नॉनवेज खाने की जिद कर रहा है, वही मैं मना कर रही हूँ क्योंकि डॉक्टर ने इसे मना किया था। और आप सबको पता भी होगा कि टाइफाइड बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, इसलिए इसमें बाहर की चीज़ें और हैवी चीज़ें खाने को मना रहता है, लाइट चीज़ें खाइए। तो वही मैं उसको समझा रही थी पर वो सुन नहीं रहा था, बार बार यही कह रहा था कि नहीं मुझे खाना है। खाना फ्राइडे या संडे? अरे चलो ले आएंगे बेटा, चल ले आएंगे। और यहाँ पे शौर्य को ट्यूशन भेज रही हूँ, इसके बाद से सिस्टर को जाऊँगी छोड़ने के लिए क्योंकि वो आज जाएगी और उसके ससुराल से बार बार फ़ोन आ रहा है। तो वो सोचा कि उसे भेज दें क्योंकि मम्मी भी वहाँ पे अकेले है और इसका पूरा सामान फैला हुआ था, तो इसलिए ये सोच के बोली कि मैं आज चली जाती हूँ और कल पूजा है घर में। कहाँ गए बेटा? तो आप कल आ जाइएगा। तो मैं 2 मिनट पहले चले जाऊँगा तो कोई फोन आ जाएगा। गधे नहीं नहीं जाओ जाओ जाओ, हम लोग का फिर पैकिंग कर रहे हैं। मौसी का, मौसी को बाय कर लो, मौसी को बाय कर लो। रहे हैं पास और हम लोग बैठे हुए हैं, बहन जाने की तैयारी में है, सामान अपना सब पैक कर ली है। अब नहीं रुकेगी, कह रही है मैं जा रही हूँ क्योंकि कल उसको जाना है, कल या परसों जाना है ससुराल उसको। तो कह रही है एक आध दिन मम्मी के साथ भी रह ले, इसलिए वो निकल रही है। और यहाँ पे मैं चाय बनाई हूँ, उसके बाद चाय पियेंगे फिर निकलेंगे क्योंकि शाम हो गया है बहुत। तो कैसा लगा यहाँ पे बता? हाँ थोड़े बच्चे हैं यहाँ पे तो अच्छा लगता है, मम्मी के थोड़ा सुना सुना लगता है। वहाँ मम्मी उदास हैं, अब अकेली है वो, तो हम भाई ठीक है जाए मम्मी के साथ, एक दिन रुक लो, अगले दिन फिर जाना पड़ेगा। तो मिलते हैं बाद में आपसे। बड़ी वाली जाएगी कितनी जल्दी, अंधेरा हो गया। तो अभी आए हैं और अभी आए हैं इसे छोड़ के बहन को, और
बिल्कुल घर ऐसे लग रहा है सुना सुना सा। बहुत दिन के बाद अब इस बार रहने के लिए आई थी, बहुत दिन से आई थी तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और सॉरी जब पैदा हुआ था तब के बाद, अब वो फर्स्ट टाइम यहाँ पे दो तीन दिन रुकी थी, नहीं तो सॉरी हुआ था उस समय 5-6 महीने रुकी थी, उसके बाद से नहीं रुकी है। तो अभी भी छोड़ के आए हैं और बिल्कुल ऐसे घर बिल्कुल सुना सुना सा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। ये बोल रहे थे रुक जाओ एक आध दिन और रुक जाओ, पर उसके ससुराल से बार बार फोन आ रहा था वहाँ पे जाने के लिए, क्योंकि उसकी सास की तबीयत एजेड है तो खराब रहती है, इसलिए वहाँ पे भी जाना है तो रुक नहीं सकते हैं ज़्यादा दिन, क्योंकि मम्मी के पास भी एक आध दिन रुकना है, मम्मी की भी तबीयत खराब है, तो इसलिए फिर वो चली गई। मेरा मन था कि एक आध दिन और रुके, अच्छा नहीं लगता जब अपने चले जाते हैं। तो मिलते हैं बाद में आपसे। तो मैं तुम्हें सरप्राइज देने वाली थी। अच्छा है, अच्छा लग रहा है कलर, बिल्कुल सुंदर है ना। बस पीछे बोली है, स्लिप नहीं बोली थी, स्लिप नहीं होगा। और वो तुम्हारा साइज सही है, मेरे में थोड़ा छोटा हो रहा था, इसका मतलब तुम्हारे में सही होगा। जब बाहर रखे उसको, वंशी का चप्पल टूट गई थी तो वही पूछी कि मेरे चप्पल नहीं लेके आई स्लीपर, तो वही मैंने बोला नहीं तुम नहीं गई थी इसलिए मैं नहीं लेके आई मौसी के साथ, मौसी को मैं बस विदा करने गई थी। तो वही बोल रही कितना झूठ बोल रही है, मेरे लिए चप्पल ला के रखी है और दिखा नहीं रही है। ठंडी का मौसम आ गया इसलिए फर्श एकदम ठंडा रहता है, तो स्लीपर की ज़रूरत थी उसको, स्लीपर था तो कल ही सौरे ने तोड़ दिया दौड़ दौड़ के छत पे, पुराना था इसे जल्दी टूट गया, तो मैं अभी उसके लिए नया लेके आई। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी बज रहे हैं रात के 9 और हम मैं और वंशिका यहाँ पे डिनर कर रहे हैं, आलू के पराठे। आप लोग कहेंगे कि इतने सारे आलू के पराठे क्यों आपके घर में बनते रहते हैं, तो हमारे घर में आलू के पराठे सबको पसंद है और सर्दियों का दिन चल रहा है तो इसलिए जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे सॉरी खाना खा के पड़ा हुआ है, टीवी कार्टून चल रहा है, कार्टून मस्त है, अब इसको मार पीट के सुलाऊंगी। भगवान को भोग लग चुका है और सो भी चुके हैं ना, आज वंशिका ने उनका सारा काम किया और हम लोग यहाँ पर डिनर कर रहे हैं और डिनर करने के बाद सोएंगे। तो ये था आज का ब्लॉग, कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे सब्सक्राइब भी किया करिए और बेल आइकन की जरूर प्रेस किया करिए ताकि आने वाले मेरे नए वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। Good night.